हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। दोस्तों आज हमारे पास जो है एक नहीं दो नहीं तीन यहाँ पे जयती कंपनी जो है उसके द्वारा बनाए हुए बहुत ही खूबसूरत से जो है स्टील के या तो जो बोलते हैं ना कि मेटल के जो है यहाँ पे लंच बॉक्सेस, और ये वाला जो है अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि पेरेंट्स सॉरी स्कूल वाले जो है डिमांड करते हैं कि भाई आपके बच्चे जो है ना वो क्या लेके आते हैं वो हमको डायरेक्टली लंच बॉक्स में दिखना चाहिए। तो ये वाले ट्रांसपेरेंट ढक्कन वाले लंच बॉक्स जो है अभी बहुत ही डिमांड में चल रहे हैं। तो ये वाला जो है इसका नाम है एक्स स्टील। तो इसका जो है मतलब एक्स और स्टील का जो है यहाँ पे कंबाइन बना दिया एक्स स्टील करके लंच बॉक्स दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये वाला इसके अंदर तीन कलर है, तो ये इस तरीके का ग्रीन कलर है, उसके बाद यहाँ पे पिंक कलर आता है और ये जो है इस तरीके का कॉफी कलर आपको मिल जाता है दोस्तों। तो ये जो है प्रोडक्ट उसकी कीमत जो है 996 रुपीज है दोस्तों, बट आपको जो है कुछ 800 रुपए के आसपास में ऑनलाइन या तो लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश्ड स्टील है, फूड ग्रेड है, मेंटेनेंस फ्री है, सॉफ्ट लेचिंग है दोस्तों। यहाँ पे इसके जो है दिखाया गया स्पील प्रूफ है, बीपीए फ्री है, इजी टू क्लीन, डिश वॉशर सेफ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सब चीजें दिखाई गई है। तो चलिए ज्यादा बकेती ना करके हुए इसको खोल के जो है देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरीके के डिजाइन के जो है लंच बॉक्सेस अवेलेबल है। तो नॉर्मल लंच बॉक्सेस थोड़े से बड़े होते हैं, बट यार स्टील में थोड़ा सा तो बड़ा साइज आ ही जाएगा क्योंकि यार उसमें जो है ना इंसुलेशन आता है और इसके अंदर स्टील का डब्बा आता है, तो साइज तो यार थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उसका तो फिर कुछ कर नहीं सकते हम, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बच्चों के वैसे आजकल जो हमने पाउच के वीडियोस बनाए थे ना, कितने बड़े बड़े पाउच जो है बच्चे अपने बैग में लेके जाते हैं, तो लंच बॉक्स के लिए भी जगह तो बनानी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे जो है इसको हम निकालते हैं, क्या बात है। तो ये जो है ना काफी समय से मैं सेल करना चाहता था और पेरेंट्स की भी कुछ हद तक डिमांड थी कि हमको भी जो है इस तरीके के लंच बॉक्सेस चाहिए। ये चाइना के अंदर के जो लंच बॉक्सेस आते हैं ना उसमें भी ये अवेलेबल है दोस्तों, और आई थिंक इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, बट चाइना का एग्जैक्टली ये नहीं था, दूसरा मॉडल था उसमें। ओके वाह, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा जो है डिजाइन है दोस्तों, और मेरे को लगता है कि ये बहुत ही जल्दी जो है मेरे स्टोर पे या तो ऑनलाइन पे जैसे ही मैं रखूंगा ये बिकना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो है बेस्ट बाय लिंक और जितने भी लंच बॉक्सेस के मैंने वीडियो बनाया है, वाटर बॉटल्स लंच बॉक्सेस, उसकी वीडियो प्लेलिस्ट लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से, एक बार आप चेकआउट करिएगा, आपको काफ़ी जो है नॉलेज मिल सकता है। वैसे तो अमेजोन वगैरह में जो ये लोग दिखाते हैं ना, मेरा जो है रियलिस्टिक में दिखाता हूँ, ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ वीडियो में मेरी कम होती है, जो है वही देखो और उसके बेस पे आप लो। बाकी तो आप लोकल स्टोर में जहाँ पे जाओगे अगर लेने के लिए, या तो ऑनलाइन भी मंगाते हो अमेजोन से, तो वो आपको अगर पसंद नहीं आता है तो आप वापस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का तीन चीज़ें रख सके इस तरीके का बॉक्स है। यहाँ पे हमारे सिटी में भी इस तरीके के मैन्युफैक्चर होते हैं, बट यार उसमें उन लोगों का डाई में क्या ही घटिया चीज़ उन्होंने करी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये चारों साइड से क्लिक करके खुल जाएगा और यहाँ पे आपको जो है ये रिंग जो है देखने को मिलती है चारों के मतलब तीनों खानों के ऊपर। तो ये जो है ना एक्चुअल में एयर टाइट हो जाना चाहिए, यहाँ का खाना यहाँ, यहाँ का खाना यहाँ, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका जो है यहाँ पे ये रिंग वगैरह का सिस्टम जो है उन्होंने नहीं सेटअप करा है, तो वो निकल जाता है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे आपको इस तरीके की जो है चम्मच जो है मिल जाती है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, ये दो चम्मच आपको मिलेगी, एक जो है आपको क्या बोलते हैं कि कांटे वाला चम्मच, एक नॉर्मल चम्मच। तो ये जो है पूरा स्टील का है और हमारे यहाँ पे जो बनाते हैं ना वो ये स्टील भी बहुत ही हल्की क्वालिटी का जो है यूज़ करते हैं। स्टील है कि नहीं मेरे को वो भी अभी पता नहीं है। तो ये एक्चुअल में एयर टाइट है, इसमें कोई डिबिया विबिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खाना ही आपकी डिबिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो है क्या बोलते हैं कि ये दूसरा वाला लंच बॉक्स आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप अपने दाल वगैरह रख दीजिए, सब्जी रख दीजिए, यहाँ पे रोटी रख दीजिए, है ना, यहाँ पे चने रख दीजिए, मूंग रख दीजिए, और यहाँ पे कुछ नूडल्स बना के आप दे सकते हैं। वैसे नूडल्स जो है ना हेल्दी बन सकते हैं, बट मैदे वाले नहीं। उसके अलावा कोई नूडल्स आते हो तो वो आप अपने बच्चों को खिलाएं। नूडल्स भी क्या बोलते हैं कि चाइना के अंदर जो है राइस के नूडल्स जो है बनते हैं, मैदे के तो हमारे इंडिया में ही बनते हैं ज़्यादातर मेरे हिसाब से। तो आप राइस के नूडल्स खाएं वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं, बट मैदे के नहीं है दोस्तों अच्छे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। और ये इंसुलेशन है ना, तो उससे क्या होगा कि ये स्टील अगर गर्म खाने के टच में आएगा तो ये भी गर्म होगा, तो अगर नीचे ये इंसुलेशन नहीं होगा ना तो आपके बच्चों के बैग में जो जो चीज़ें हैं वो सब गर्म हो जाएगी। तो कुछ कुछ लंच बॉक्सेस ऐसे भी आते हैं जिसमें नीचे इंसुलेशन नहीं होता, डायरेक्ट स्टील का डब्बा ही होता है, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों। तो उसमें यही दिक्कत आती है कि भाई वो जो है पूरा आपका जो है तो क्या बोलते हैं कि स्कूल बैग जो है गर्म हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पिक्चर्स जो है ड्रॉ करे हुए। इसको आप अपने बच्चों का नया टर्म जब शुरू हो रहा है तो उस टाइम पे खरीद के दे सकते हैं। उसके अलावा जो है उसके बर्थ उनके बर्थडे पे, क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे ओकेजन पे खरीद के दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे डिफरेंट ओकेजन पे इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको ज़रूर ट्राई करिए और अपने अनुभव जो है कमेंट में शेयर करिए। जाने से पहले एक सवाल, आप अपने बच्चों को जो है लंच बॉक्स में क्या क्या खिला के मतलब खाने के लिए देते हैं, और बच्चों को एक्चुअल में क्या क्या पसंद आता है कमेंट में अगर चाहे तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।